नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रामनिवास मेहरा में। साथियों, आपके जो फ़ोन कॉल और मुझे लगातार जो कमेंट प्राप्त हो रहे हैं, उससे अनुभव हो रहा है कि प्रपत्र 10 बनने में हमारे जो साथी है उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन साथियों, इसका तो मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ़ और सिर्फ शाला दर्पण के सॉफ्टवेयर की वजह से ही हमें प्रॉब्लम हो रही है। और मैं एक बात और आपको ध्यान दिला दूं साथियों, ये समस्या ज़्यादातर जो हमारे शिक्षक साथी प्रारंभिक शिक्षा में कार्य कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बड़ी हो रही है। तो आप इससे घबराएं नहीं, इसकी टेंशन नहीं लें, शीघ्र ही शाला दर्पण नया कोई सॉल्यूशन निकालेगी जिसमें इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं साथियों, यदि आपको शैक्षिक योग्यता बढ़ने में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो मैंने जैसे आपको कमेंट में भी बताया है कि आप पहले जो आपने 10वीं सबसे ऊपर डाल रखी है उस फॉर्मेट में उसे डिलीट कर दें, और उसके बाद नीचे तीसरे नंबर पर आपकी जो 10वीं क्लास की एंट्री है उसे करें, तो उससे आपके डाटा सेव हो जाएंगे। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक करोगे तो अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। लेकिन जो प्रशिक्षक की योग्यता है साथियों, उसमें जैसे ही हमारे नंबर जो टोटल मार्क्स या जितने भी हमारे मार्क्स का पेपर था उन चीज़ों को एंटर करते हैं तो शाला दर्पण लॉग आउट हमें अपने पैनल से कर देती है। तो इसके लिए मैं सबसे बढ़िया तरीका एक आपको बताऊं कि वहाँ जो आप सेव और नेक्स्ट का जो अपने को ऑप्शन नीचे दिखाई देता है उस पर क्लिक ना करें, आप उसमें कुछ भी ना भरें, सिर्फ आप नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, आपके सामने अगला प्रश्न आ जाएगा। तो आप जितना कार्य अभी फिलहाल हो रहा है वो तो करें, अगले प्रश्न में जैसे ही आप आपकी जानकारी फिलअप करेंगे और उसको फिलअप करने के बाद जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट करेंगे तो आपका फिर अगला प्रश्न आ जाएगा। तो इस तरह जितने भी उसमें प्रश्न है हम उनको तो भर लें जो अभी शाला दर्पण पर वर्क कर रहे हैं, और जो हमारा एक प्रश्न बचेगा प्रशिक्षक योग्यता वाला, तो उसके लिए मेरा आपसे केवल और केवल एक ही अनुरोध है कि शाला दर्पण के जो हेल्प डेस्क मॉड्यूल हमें दिया गया है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप शिकायत दर्ज करवाएं, जिससे कि शाला दर्पण के पास ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत पहुँचेगी तो उनकी टीम आगाह हो जाएगी कि हमारे शिक्षक साथियों को कुछ प्रपत्र 10 बनने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक दूसरा तरीका ये है कि राज रमसा जो इनकी मेल आईडी है, हमारे शिक्षा विभाग की मेल आईडी है, उस पर आप अधिक से अधिक मेल कीजिए ताकि जो हमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है उन समस्याओं से हम छुटकारा पाएँ। और दूसरी जो समस्या हमारे सामने आती है कि शाला दर्पण विद्यालय समय में लगभग कार्य नहीं कर रही है साथियों, तो ये समस्या भी आप हेल्प डेस्क मॉड्यूल पर लिखें, क्योंकि हम और बोलने किसे जाएंगे, बोलेंगे तो भाई शाला दर्पण को ही, तो आप हेल्प डेस्क पे लिखें, उसके अलावा राज रमसा पे लिखें, क्योंकि ये विद्यालय समय में वर्क नहीं कर रही है, सभी शिक्षक साथी इससे परेशान हैं। तो साथियों, मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि आप ज़्यादा इस चीज़ को टेंशन में ना लें कि भाई हमारा प्रपत्र 10 है जो वो अपडेट नहीं हो पा रहा है, शीघ्र ही उसका भी कुछ समाधान निकलेगा और हम शाला दर्पण पर अच्छे से कार्य कर पाएंगे। और साथियों, यदि आपको NICUID जो हमारी पे मैनेजर की होती है उसको अगर आपको लेने में किसी तरह की या याद करने में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए पृथक से वीडियो जारी कर रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। और यदि आपका वेतन PD हेड से उठता है और वहाँ आपको NICUID की आवश्यकता है और आपको ज्ञात नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने आपकी सहायतार्थ वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा रखा है। और जो प्रपत्र 10 है, यदि सॉफ्टवेयर अच्छे से काम करता तो वो जो उससे संबंधित वीडियो है उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा रखा है। जैसे ही शाला दर्पण की तकनीकी खामियों में सुधार होगा आप उन वीडियो की सहायता लें और वहाँ से आपके कार्य को आसानी से कर पाएंगे। मिलते हैं साथियों इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।